हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मंडी। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक अच्छा सा ऑर्गेनाइजर लेके आई हूँ कपड़ों के लिए। हमारे बेसिकल रेगुलर वेयर कपड़े हैं, हमारे कोई हैवी क्लोथ्स हैं और वैसे क्लोथ्स रहते हैं जो हम लोग सीजनल यूज करते हैं। सीजन आने पर ही हम लोग यूज करना चालू करते हैं। जैसे विंटर का है सीजन तो गर्मी का सीजन है हमारा, तो वैसे के टाइप के लिए मैं एक आज ऑर्गेनाइजर लेके आई हूँ। आप स्क्रीन पे फोटोज और डिटेल्स देख सकते हैं। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का ये जो ऑर्गेनाइजर है, इसमें स्टार्टिंग ये मेरी साइज है अभी 24 लीटर, लेकिन इससे भी बहुत छोटा आता है 11 लीटर का। तो यहाँ ये जो प्रोडक्ट है वो 11 लीटर से स्टार्ट होते हैं। 11 लीटर, 24 लीटर, 44 लीटर, 66 लीटर, 88 लीटर और 100 लीटर। तो ये मैंने 24 लीटर वाला अभी लिया है, क्योंकि 11 लीटर वाला भी बहुत छोटू सा आता है, बहुत अच्छा आता है। उसका भी मैं वीडियो करने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और ये जो 24 लीटर वाला है, इसमें बहुत से कलर्स आते हैं। इसकी जो एक्चुअल साइज है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इसमें कलर्स भी हैं वो भी देख सकते हैं आप। तो ये जो है आज मेरा 24 लीटर वाला है, और बाकी के भी बहुत सारे ऑर्गेनाइज मैं मेरे चैनल पे बताती रहती हूँ। तो आप मेरे आई बटन पे एक बार चेक कीजिएगा, मेरे बहुत से वीडियोस हैं। पर्स ऑर्गेनाइजर है, ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर है, बाथरूम रिलेटेड ऑर्गेनाइजर है, किचन रिलेटेड ऑर्गेनाइजर है, गैजेट्स है। बहुत से मेरे चैनल पे आपको ऐसे यूजफुल प्रोडक्ट्स, ऐसे यूजफुल गैजेट्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये मेरे पास कुछ बॉक्स रहता है, फोल्डेबल है ये। तो आज ये मैं आपको रिव्यू करने वाली हूँ, अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ओपन किया है अभी, ऐसे पॉलिथीन पैकिंग में ही ये आता है। तो आप देख सकते हैं गाइस कैसा है ये। जब मैं इसको ऐसे करके मैं आपके सामने ये ओपन करने वाली हूँ ऐसे। आप देख सकते हैं फोल्डेबल था तो कैसे ओपन हो गया है। ये जिप है, जिप में ये ग्रिप दी गई है ताकि हम आसानी से ओपन कर सकते। ये हैवी नॉन वोवन मटेरियल है, वाटरप्रूफ मटेरियल है ये। यहाँ सामने एक ट्रांसपेरेंट विंडो है और ये अपना मेन कंपार्टमेंट, ये मेन जिप है अपना, ऐसे होता है। और अंदर से आप देख सकते हैं ऐसे स्टील के दो रॉड्स है, एक ये एयर फ्रेशनर है साथ में। इसको थोड़ा ऐसे पुश करके हमें इसको सेट करना होगा रॉड को। आप देख सकते हैं ये रॉड को ऐसे पुश करके हमें बराबर से फिक्स करना होगा, वरना वो कपड़े ठीक से हमारे ऑर्गेनाइज नहीं होंगे। ये एक फ्रेशनर है, वो भी आप अंदर ही रहने दीजिए। ये विंडो है, ये विंडो हम लोग यहाँ पे अभी तो बंद कर देते हैं। और आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका। कलर भी बहुत ब्यूटीफुल है, पिंक कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे कलर। लाइट कलर मुझे ज्यादा पसंद है। और यहाँ पे साइड में ऐसे हैंडल है, आप देख सकते हैं, ताकि हमें कहीं पे उठा के रखना है तो हम लोग ये इजीली इसको हैंडल है तो ऐसे पकड़ सकते हैं। तो अभी इसमें मैं कुछ कपड़े ऑर्गेनाइज करके आपको दिखाने वाली हूँ कि ये हमारे लिए कितने काम का है। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और आप पूरा लुक देख सकते हैं कैसा है आगे पीछे सब जगह से। तो अभी मैं आपको इसमें ऑर्गेनाइज करके कुछ कपड़े दिखा देती हूँ। Thank you.
आपने आज का ये मेरा वीडियो देखा है क्लोथ ऑर्गेनाइजर, तो आपको ये मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए। आप ये यूज करते हैं तो इसको इसका मुझे रिव्यू भी दीजिए, आपके ओपिनियंस भी दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कीजिए, और फटाफट वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।